Hello everyone, welcome back in Environmental Studies class. Today we will start the part 5 Olympiad important questions of Environmental Studies NCERT. Class 4th ki NCERT mein hum EVS mein dekhenge ki changing families kab change hoti hai. To is story mein hum Sering ki family padhenge, नाजली की फैमिली पढ़ेंगे, निम्मी फैमिली, सेरिंग फैमिली और नाजली की फैमिली. निम्मी फैमिली में हम देखेंगे कि अ न्यू बेबी बॉर्न. तो जब न्यू बेबी बॉर्न होता है निम्मी की फैमिली में तो फैमिली चेंज हो जाती है. उसी तरह से हम जब सेरिंग की फैमिली पढ़ते हैं तो सेरिंग की फैमिली में हम देखते हैं फादर ट्रांसफ़र टू अदर प्लेस. जब फादर किसी दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होंगे तब भी फैमिली चेंज हो जाएगी. और जब हम नाजली की फैमिली को देखेंगे तो देखेंगे कज़िन गेटिंग मैरिड. जब कज़िन की शादी होती है तो कोई भी नई मेम्बर हमारे फैमिली में आती हैं तो हमारी फैमिली चेंज हो जाती है. तो क्या कारण होता है जब हमारी फैमिली चेंज होती है? तो सम डिफरेंट काज चेंजिंग फैमिलीज हम देखते हैं. चेंजिंग फैमिलीज, ये फैमिली कैसे कैसे चेंज हो रही है. तो सबसे पहले ड्यू टू मैरिड ड्यू टू मैरिज ऑफ फैमिली मेम्बर. अगर फैमिली मेम्बर की मैरिज होती है तो आपकी फैमिली चेंज हो जाती है. तो ये फैमिली की मेम्बर की मैरिज कहाँ पे हो रही है? नाजली की फैमिली में. नेक्स्ट इज़ द न्यू बेबी बॉर्न. केवल जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तब भी फैमिली चेंज हो जाती है. तो न्यू बेबी बॉर्न कहाँ पे हो रही है? निम्मीज़ फैमिली में. ओके, अब वहीं पर सेरिंग फैमिली में जब कभी किसी फैमिली मेम्बर का ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो जाता है तब भी फैमिली चेंज हो जाती है. तो सेरिंग की फैमिली में क्या हो रहा है? फादर ट्रांसफ़र टू अदर प्लेस. जब कभी फादर की ट्रांसफ़र या किसी फैमिली मेम्बर की ट्रांसफ़र कहीं अदर प्लेस पे हो जाती है तो फैमिली चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इज़ द डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर. दिस इज़ वेरी सैड, बट व्हेन एनी फैमिली मेम्बर डेथ देन वी आर ऑल फैमिली मेम्बर बिकेम चेंज. ओके, तो ये कुछ स्टोरी आपकी चेंजिंग फैमिलीज़ में हैं. इसी चेंजिंग फैमिलीज़ में हम आपको एक स्टोरी और बताते हैं जो कि जुड़ा हुआ है रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट से. तो ये स्टोरी आपके बुक में तो नहीं है लेकिन इसी चेंजिंग फैमिलीज़ पर ही ये स्टोरी डिपेंड है, तो जिससे क्वेश्चन भी आए हैं. देर आर मैनी गर्ल्स हु गॉट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड. जब वो 18 ईयर ओल्ड की हो जाती है तो उनकी मैरिड हो जाती है. Many of them have to even leave the school. तो इसमें बहुत सारी गर्ल्स को क्या करना होता है? अपना स्कूल छोड़ देना पड़ता है. There are many true stories of girls like Susila of Ranga Reddy district. उसी तरह ये एक स्टोरी है सुशीला की जो कि रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रहती है. Who are going back to school. जो अपना स्कूल वापस जाना चाहती हैं लेकिन जब सुशीला की मैरिड हो गई है तो वो स्कूल कैसे जाएगी? उसके लिए वो पंचायत में भी अपना बोलती है कि मेरे लिए कुछ सहायता करो. सी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत. वो पंचायत से हेल्प की गुजारिश करती है. रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो कॉल्ड हैदराबाद. तो रंगा रेड्डी कहाँ पर है? हैदराबाद में है. रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? हैदराबाद में. तो पहले हैदराबाद में था, अब हैदराबाद का जब डिवीज़न हो गया है तो अब वो चला गया है तेलंगाना में. कहाँ पे चला गया है? तेलंगाना में. तो रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट अब इस समय कहाँ पे है? तेलंगाना. तो तेलंगाना की ही विषय में ही बताएंगे जहाँ पे सुशीला है जिसकी शादी 18 ईयर्स पे हो गई है लेकिन अब वो सी वॉन्ट टू कम बैक टू स्कूल बट हर फैमिली मेम्बर नॉट अलाउड. तो वो पंचायत में जाती है. तो डिस्ट्रिक्ट में क्या बोला गया है? हैदराबाद रूरल इज़ वन ऑफ सी डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना.
तो अब ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है. द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ. अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप टू हेल्प मैरिड गर्ल टू गो बैक टू स्कूल. वहाँ की पंचायत ने एक कैंप भी लगाया है जिससे वो अपने स्कूल वापस जा सकें. लेकिन जो जंगम्मा है एंड चिट्टी, जंगम्मा भी उस फैमिली मेम्बर की है कोई, जंगम्मा और चिट्टी, वो बोलती है वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट. तो जंगम्मा और चिट्टी ये भी सुशीला की तरह ही स्ट्रगल कर रही है पढ़ाई के लिए. लेकिन जब उनको पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो भी पंचायत में गुजारिश कर रही हैं कि हमें भी पढ़ने के लिए चाहिए, हम भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं. इसके लिए सुशीला, जंगप्पा और चिट्टी ये सब हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की. कैसे? देर इज़ अ लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज विच हैज़ स्ट्रिक्टली फिक्स्ड द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स एट 18 एंड फॉर बॉयज़ फॉर 21 ईयर. तो ये रूल कब आया है कि जब मैरिड की जाए गर्ल्स की और बॉयज़ की, गर्ल्स की एज 18 ईयर और बॉयज़ की 21 ईयर. ये है चाइल्ड मैरिज एक्ट, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929. तो चाइल्ड मैरिज एक्ट रिस्ट्रिक्ट 1929 ये रूल आया था कि जब गर्ल्स की एज 18 ईयर हो और बॉयज़ की एज हो 21 ईयर, इस एज को जो फॉलो नहीं करेगा उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन किए जाएंगे. द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. तो प्रोहिबिशन कब किया गया था? 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन. तो इसको कब किया गया, लागू कब किया गया था? प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट इन 2006 में ये अप्लाई किया गया कि जो चाइल्ड, जो गर्ल्स की मैरिज एज होगी वो 18 ईयर होगी और बॉयज़ की 21 ईयर. जो इसे फॉलो नहीं करेगा उसके लिए हम एक्शन करेंगे. तो ये था चेंजिंग फैमिलीज़ की स्टोरी, जिसमें अलग अलग तरीके से हमारी फैमिली चेंज हो रही है. जो 18 ईयर्स पे मैरिज कर भी लेती हैं, वो चाहती हैं हम स्कूल पढ़ें, पढ़ाई करें, सी वॉन्ट टू कम बैक टू स्कूल. बट कुछ फैमिली है जो उनको पढ़ने नहीं देती है. ऐसी फैमिलीज में सुशीला, जंगम्मा और चिट्टी जैसी फैमिली है, फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने पंचायत में भी बोला कि हमारे लिए हमारी सहायता की जाए. आई वॉन्ट टू स्टे विथ आवर फीट, हम अपने फीट पे खड़ा होना चाहते हैं. उसके लिए पंचायत ने उनकी सहायता करी और एक एक्ट लागू कर दिया गया. ओके, तो ये है आपकी चेंजिंग फैमिली. अब हम स्टार्ट करते हैं, एक गेम है आपका हु तू तू हु तू तू, जो कि साउथ इंडिया में बोला जाता है. इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? कबड्डी. ओके, तो लेट्स सी दिस गेम. कबड्डी गेम है जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. जैसे हाथ हु तू तू हु तू तू हु तू तू हु तू तू, ये गेम का नाम है कबड्डी. इसको हम हु तू तू किस प्लेस में बोलते हैं? इस बोलते हैं हम साउथ इंडिया में. कहाँ पे बोलते हैं? साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में इसको हु तू तू के नाम से जाना जाता है. वहीं पर हा दूदू इस तरह से बोला जाता है आपके बांग्लादेश में, हा दूदू. वहीं छुकित कित आपके ईस्ट इंडिया में बोला जाता है. वहीं छिडुगुडू आपके तमिलनाडु में बोला जाता है. ओके, तो कुछ आपके नेम हैं जिससे बुलाया जाता है. अगर आप एक मिनट में कितनी देर तक कबड्डी बोल सकते हैं, आप तब तक बोलिए. हम देखते हैं हा दूदू को क्या बोलते हैं. हा दूदू कहाँ पे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके ये हा दूदू बोला जाता है आपके बांग्लादेश में आपको बोला जाता है हा दूदू. ओके, वही छू कित कित
छू कित कित ऐसे बोलते हैं कबड्डी को, किस प्लेस में बोलते हैं ये? ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया साइड में इसी तरह बोला जाता है। वहीं पर छुडु गुडु के नाम से कहाँ पे बोला जाता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में छुडु गुडु के नाम से बोला जाता है। द गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम, तो दो टीम के बीच में ये गेम खेला जाता है। बोथ द साइड ऑफ द ग्राउंड कंसिस्ट ऑफ 7 प्लेयर, तो इसमें कितने प्लेयर होते हैं इस गेम में? इस गेम में होते हैं 7 प्लेयर। दिस गेम कंसिस्ट ऑफ 7 प्लेयर इन ग्राउंड, तो इस गेम में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। उसी तरह से एक आउटडोर गेम है वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर, कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर होते हैं। ये कबड्डी गेम में एक स्टोरी है ज्वाला लीला और हीरा की है। ये स्टोरी तब की है जब वो गर्ल्स चाहती थी कबड्डी गेम खेलना, लेकिन उनको खेलने नहीं दिया जाता था कि आप गर्ल्स हो, आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए, ये कह कर के उनको मना किया था। लेकिन उनके मम्मा ने और मामा ने, दोनों लोगों ने उनका सपोर्ट किया, बच्चियों का सपोर्ट किया, और वो एक स्टार, गर्ल्स स्टार बन गई। उन्होंने बड़े होने पर कबड्डी का ओलंपियाड तो जीता ही, उसके साथ में अब वो एक कोच भी थी। जब उन्होंने एक स्टेडियम टाइप में बनवा लिया, वहाँ पर वो गर्ल्स को कबड्डी सिखाती थी, तो कबड्डी कोच के रूप में ज्वाला लीला और हीरा ने वर्क भी किया है। जब उन्हें ओलंपियाड में कबड्डी खेलना पड़ा था तो वो मुंबई गई थी, उनके मामा ने बहुत सहायता भी करी थी, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं ज्वाला लीला और हीरा की। तो ज्वाला लीला हीरा ने गर्ल्स को मोटिवेट करके उनको प्लेइंग में अपने जज्बे को और डेवलप करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है। तो गर्ल्स स्टार ज्वाला लीला हीरा, जिन्होंने गर्ल्स को कबड्डी के लिए मोटिवेट किया है, उसी तरह से आप जानेंगे कर्णम मलेश्वरी के विषय में। कर्णम मलेश्वरी कहाँ की प्लेयर है? वो आंध्र प्रदेश की हैं। नाउ सी कैन लाइक लिफ्ट अप टू 130 किलोग्राम, तो कर्णम मलेश्वरी कितने किलोग्राम वेट उठा सकती हैं, लिफ्ट कर सकती हैं? कर्णम मलेश्वरी लिफ्ट 130 kg, ये कौन है? वेट लिफ्टर हैं। कन्ना मलेश्वरी कौन है? वेट लिफ्टर हैं। और इनकी तीन बहनें हैं, तीनों ही वेट लिफ्टर वर्क कर रही हैं। कन्ना मलेश्वरी कहाँ की हैं? वो आंध्र प्रदेश की हैं। कन्ना मलेश्वरी ने राकेश त्यागी से मैरिज की है, वो भी कौन है? वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मलेश्वरी, सी हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 2000 सिडनी ओलंपिक, तो सिडनी ओलंपिक में कर्णम मलेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल वोन किया था। कौन से ओलंपिक में वोन किया था? सिडनी ओलंपिक में। ओके, तो सिडनी ओलंपिक में कन्ना मलेश्वरी ने कौन सा मेडल ब्रॉन्ज किया था? ब्रॉन्ज मेडल इन 2000 में इनको ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। कन्ना मलेश्वरी ने वेट लिफ्टर हैं, 130 किलोग्राम उन्होंने लिफ्ट किया था। ओके, तो सी इज ऑल्सो द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये फर्स्ट लेडी हैं। तो ये कौन है? गर्ल्स स्टार। जैसे आपने अनीताज हनीबी में अनीता को देखा था, अनीता गर्ल्स स्टार है, वैसे ही कर्णम मलेश्वरी को भी गर्ल्स स्टार कहा जाता है, क्योंकि सी इज द फर्स्ट
won the Olympic medal in Sydney Olympic. Okay. So in 1997, she married a fellow weightlifter Rajesh Tyagi. Rajesh Tyagi ji se inhone marriage kiya kis year mein? 1997 mein. So importance of sports in our life. तो अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स का क्या यूज़ है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स वी एवरी टाइम एनर्जेटिक फिजिकली वी कैन हेल्दी. तो व्हाट वी यूज ऑफ द गेम्स गेम्स स्पोर्ट्स प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ एज इट कीप्स अस हेल्दी वेल्दी एंड एक्टिव. तो हेल्दी वेल्दी एक्टिव रहने के लिए हमें कौन सी जरूरत पड़ती है? गेम्स की. हमें बहुत ज़्यादा गेम खेलना है, एक्सरसाइज करना है, जिससे हम हेल्दी रह सकें फिजिकली और मेंटली दोनों. ओके, वी कैन हैव अ हेल्दी माइंड ओनली वेन वी हैव अ हेल्दी बॉडी. तो जब हमारे पास हेल्दी बॉडी होगी उसके लिए हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करना है. जब हेल्दी बॉडी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा. Great achievements some or why when we maintain our physical and mental well-being and sports help us to maintain a good and health and improve coordination and overall personality development. तो overall personality development के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? games की. games हमें physically mentally fit रखता है. तो we must प्ले गेम. तो हमें गेम जरूर खेलना चाहिए. इट मेक्स अ पर्सन मोर एक्टिव अटेंटिव एंड इन्हेंसेस हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़. तो ये गेम्स आपके मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है. तो वी मस्ट प्ले गेम. तो हमें गेम खेलने के लिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिससे हम अपने पूरा वर्क कोई भी वर्क करें तो पूरा एक्टिव और अटेंटिव होकर के करें. उसके लिए हमें अपनी फिजिकल को ग्रो करना है. फिजिकल डेवलपमेंट से ही हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है. ऑल ओवर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द गेम्स एंड एक्सरसाइज. तो हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट किससे हो सकता है? हमारे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम खुद गेम खेलते हैं. तो हम जब हम गेम खेलते हैं तो हम इंटरनली हैप्पी होते हैं और खुश होते हैं, जो कि एक फीलिंग्स है. जब हम गेम खेलेंगे तभी हम प्राप्त कर सकते हैं. तो वी मस्ट प्ले गेम. गेम जो कि बहुत अलग अलग प्रकार से हमने बताए हैं आपको. आउटडोर गेम है, इंडोर गेम है, जो कि मेंटली पजल्स हैं जिससे आप मेंटली एक्सरसाइज करते हो, जो आपके मैथ्स के लिए और आपके रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है. ओके, ये है आपका गेम्स जो कि हुतुतू अलग अलग प्लेस में कबड्डी को बोला जाता है. आप एक मिनट में कितना कबड्डी कबड्डी बोले हैं इसको आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा. हुतुतू हुतुतू कहाँ पे बोला जाता है? साउथ इंडिया में बोला जाता है. हादूदू बोला जाता है बांग्लादेश में. छुकितकित आपके ईस्ट इंडिया में बोला जाता है. छुडुगुडू छुडुगुडू आपके तमिलनाडु में बोला जाता है. गर्ल्स स्टार है कर्णम मलेश्वरी, और जिन्होंने अपने फिजिकल बॉडी फिजिकल हेल्थ से अपने इंडिया को भी गौरवान्वित किया है. उसी तरह से ज्वाला लीला हीरा ने भी कबड्डी गेम में गर्ल्स को एक्टिव करके गर्ल्स कोच बन के बहुत सारी गर्ल्स को भी ओलंपियाड तक भेजा है. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द हुडुदू गेम, कबड्डी कबड्डी गेम एंड द चेंजिंग फैमिली. सो अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में. उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? आपके डिजीज़ के विषय में, जो कि रिवर स्टेल, जो रिवर बताती है कहानी, एक स्टोरी बताती है कि हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए वाटर स्वच्छ पीना चाहिए. ओके?